छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में बाकी बची 7 सीटों पर मतदान है। 7ों सीटों पर वोटिंग 7 मई को होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। पेंड्रा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। महंत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो खुद 10वीं पास है उनके पास संविधान सीखने जाएंगे क्या। महंत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कर रहे हैं वो एक पीएम को शोभा नहीं देता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक सड़क छाप व्यक्ति करता है। खुद ही 10वीं पास है उनके पास संविधान सीखने जाएंगे। दसवीं पास आदमी संविधान क्या सिखाएगा, खुद नहीं समझता जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। और चट्टे बट्टे जो हम लोगों को उसने संबोधित किया तो क्या वो अंधभक्त उनको स्वीकार कर लिया है क्या? जो उनकी अंधभक्त हैं, ये शब्द हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, आम जनता ने दिया है, तो क्या उसके अंधभक्त के शब्दों को उसने स्वीकार कर लिया है? और चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को नहीं देता। ये सड़क छाप आदमी की भाषा है, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए।